हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्लॉग है छोटी दिवाली का, और यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 9। और यहाँ पर मैं अभी को रेडी कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तो बाबू को जो है मैंने रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर अभी को मैं कपड़े पहना रही हूँ, और उसे रेडी करने के बाद फिर मैं भी जो है रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कितने नाटक कर रहा था कपड़े पहनने के लिए। बहुत ही मुश्किल से जो है मैंने उसे कपड़े पहनाए थे। काफ़ी जो है वो नाटक कर रहा था और काफ़ी रो रहा था। तो उसको जल्दी से जो है मैं तैयार कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस बार दिवाली पर मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, ससुराल नहीं जा रही हूँ। वैसे मैं हर साल जो है ससुराल जाती थी, लेकिन इस बार मैं दिवाली मम्मी के घर पर मनाने वाली हूँ। और दिवाली के साथ साथ जो है इस बार बाबू का बर्थडे भी पड़ रहा है, तो एक साथ जो है दो दो सेलिब्रेशन है। दिवाली भी है और साथ में बाबू का बर्थडे भी है, तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, और वो है रोने लगा था। और बाबू को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है रेडी कर दिया है, बस उसके जो हेयर्स हैं वो मुझे बनाने हैं। तो यहाँ पर अभी के बालों में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तेल, और उसको बाद जो है मैं उसके हेयर्स को कॉम कर कर उसको एकदम रेडी कर देती हूँ। और हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, और जब तक वो नहाते हैं तब तक हम भी जो है जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि घर जाकर जो है फिर मुझे थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी है, इसलिए हम थोड़ा जो है जल्दी ही निकलेंगे। तो यहाँ पर अभी हो गया है रेडी, अब मैं भी जाती हूँ जल्दी से, मैं भी जो है रेडी हो जाती हूँ। नहा तो मैंने पहले ही लिया था, बच्चों को रेडी करने से पहले बस कपड़े चेंज करने हैं, तो वो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ, और अब मैं जल्दी से अपने कपड़े हैं वो चेंज कर लिए हैं, और उसके बाद मैं अपने जो हेयर्स हैं उन्हें भी कॉम्ब कर लेती हूँ। तो मैं बाहर आ गई थी अपने हेयर्स को जो है कॉम्ब करने के लिए, और जल्दी से मैं अपने हेयर्स हैं वो कॉम्ब कर कर आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पर मैंने अपने जो बाल थे वो बांध लिए हैं, और अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपना साज श्रृंगार कर लेते हैं। तो बस बैग में ही मैंने अपना सारा सामान था वो पैक कर लिया था, तो बस उसी में से निकाल कर जो भी थोड़ा बहुत करना है मैं वो जल्दी से कर लेती हूँ। और अभी को आप देख सकते हैं उसने मेरे जो बैंगल्स थे वो ले लिए हैं जो मैंने निकाले थे, और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा लिया था। अब थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ, बिंदी जो है ऑलरेडी लगी हुई थी नहाने पर भी वो नहीं छूटी थी, तो बस वही बिंदी लगी हुई है। बिंदी जो है मैं अपने हाथ से नहीं हटाती हूँ, जब वो खुद से छूट कर गिर जाती है तभी मैं दूसरी बिंदी लगाती हूँ, वरना वही बिंदी जो है मेरी लगी रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साज श्रृंगार करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो अपने इयररिंग्स थे वो चेंज कर लिए हैं। तो क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पर थोड़ा सा जो है सजना संवरना अच्छा लगता है, तो इस वजह से जो डेली के इयररिंग थे वो मैंने निकाल कर जो है थोड़े हैवी वाले इयररिंग पहन लिए थे। और उसके बाद अब जो है मैं यहाँ पर पायल है वो भी पहन लेती हूँ, और अभी को भी मैंने उसके जो जो चांदी के खड़ुआ होते हैं वो पहना दिए थे, और बाबू को भी उसकी न्यू वाली जो पायल थी वो पहना दी हूँ। यहाँ पर मैंने भी अपनी पायल है वो पहन ली है। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था मेरा, फोन का चार्जर वगैरह और अभी के डायपर थे, तो वो सब रखकर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली मंगलमय हो। और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, और मेरी जो पैकिंग वगैरह थी सब हो गई है। आप देख सकते हैं ये है वो मिठाई जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, धनतेरस वाले दिन जो हस्बैंड को मिली थी। और ये हमारा बैग है वो पैक हो गया है, तो सब लोग बस रेडी हो गए हैं, बस थोड़ी बहुत देर में निकलने ही वाले हैं। हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेकर यहाँ पर मिलने के लिए, जो उनका स्टाफ रहता है, तो उन्हीं को जो है दिवाली विश करने के लिए गए हैं। और जैसे ही वो लौट कर आ जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, इस बार की दिवाली मैं अपनी मम्मी के घर मनाने वाली हूँ। तो बस मम्मी के घर अब हम लोग जो है निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में, और आगे का जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा, आपको पसंद आएगा। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं। और आज मैंने अपने जो इयररिंग हैं वो चेंज किए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन है इनका, काफ़ी जो है अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही कम मैं इन्हें वेयर करती हूँ क्योंकि थोड़े हैवी हैं, और मुझे जो है
ज़्यादा हैवी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैं अपने वही डेली वेयर वाले ही पहने रहती हूँ। बट दिवाली है तो दिवाली पर तो थोड़ा जो है सजना सवरना थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने चेंज कर ली है और फाइल भी मैंने अपनी पहन ली है। और दिवाली का व्लॉग भी कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर करने की, तो जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो बस हस्बैंड आ जाएं, थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम लोग जो है निकलेंगे अब हम घर के लिए, तो तभी फिर जो है मैं आपसे मिलूंगी। तो हस्बैंड सबको दिवाली विश कर आ गए थे, अब हम लोग जो है घर से निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी को आप देख सकते हैं वो खड़ा हुआ है और इसी तरह से खड़ा रहता है पूरे रास्ते, बिल्कुल भी नहीं बैठता है। जब उसको नींद आने लगती है तभी बैठता है, वरना ऐसे ही खड़ा रहता है। और इस चक्कर में जो है कई बार गिर भी जाता है। और आगे आप देख सकते हैं, आगे बाबू बैठी हुई है क्योंकि सीट पर जो है पीछे कुछ सामान रखा हुआ था तो वो आगे बैठ गई थी। तो अब हम लोग बस निकल गए हैं और 1.5 से 2.25 घंटे में हम लोग जो है पहुँच जाएँगे घर। तो चलिए आपसे जो है मिलते रहेंगे, व्लॉग में बने रहिएगा। पापा मैं खोल ले रही हूँ, गर्मी लग रहा है। मम्मा मीठा नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है आधे रास्ते पर आ गए हैं और हस्बैंड गए हैं समोसे लेने के लिए। यहाँ पर जो है गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं तो वो लेने के लिए, तो बस वो खा लेंगे फिर हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे आगे को। दिवाली की सफाई कटोरी में चाय। मनु रही है गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, जैसा कि मैंने जो है आपके साथ अभी शेयर किया था। और यहाँ पर जो है सब लोग सफाई में लगे हुए थे, तो आने के बाद जो है फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन था वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था, ओनली 5% चार्ज रह गया था। सुबह जो है आने की तैयारी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया और फ़ोन को बिल्कुल भी चार्जिंग पर नहीं लगाया था, तो थोड़ा बहुत वीडियो जो है वहाँ शूट हो गया था। और फिर उसके बाद रास्ते में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो फ़ोन मैंने जो है चार्जिंग पर लगा दिया था, तो इस वजह से फिर कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और हमारा नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया था, उसके बाद मैंने खाना भी खा लिया है और खाना पीना खाकर हम लोग हो गए हैं फ्री, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। बाबू के लिए मुझे जो है कपड़े लेकर आने हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कल दिवाली है, लेकिन दिवाली के साथ साथ जो है कल बाबू का बर्थडे भी है, तो उसके लिए मुझे कपड़े लेकर आने हैं। वैसे मैंने एक फ्रॉक उसकी ऑनलाइन मंगा ली है, लेकिन फिर भी एक जोड़ी और लाना है क्योंकि भाई दोज भी है, तो जो भी उसको पसंद आएगा वो पहन लेगी बर्थडे पे और दोज पे, तो बस उसी के कपड़े लेने जाने हैं। तो बस अब थोड़ी देर में मैं जाऊंगी और मार्केट नहीं जाऊंगी क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी भीड़ चल रही है, तो यहीं पर पास में छोटा सा मार्केट है तो वहीं पर मैं जाऊँगी बाबू के कपड़े लेने के लिए, तो वो भी मैं जो है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरा दिवाली शॉपिंग व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर कर दूंगी।
तो आज का जो ये व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।